हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको उस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो भारत के नजदीक है, बहुत ही सस्ता है और साथ ही बहुत ही अच्छा है। इस देश के साथ इंडिया की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आज से नहीं बल्कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के समय से ही। ये देश बहुत ही खास है और बहुत ही खूबसूरत। अगर आप फर्स्ट टाइम एक फॉरेन ट्रिप ले रहे हो तो ये देश परफेक्ट है, क्योंकि इंडिया के पास भी है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। इसलिए आप जा सकते हो बेहद ही खास और खूबसूरत देश वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं वियतनाम की यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको वियतनाम की कुछ खास जानकारियाँ देंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वियतनाम में आप क्या क्या कर सकते हैं और हाँ, कहाँ कहाँ घूम भी सकते हैं। तो चलिए अपनी पेटी बांध लीजिए और उड़ान भरने को हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जा रहे हैं वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में ब्लूस और दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर से लगती है। वियतनाम एक ऐसा देश है जो संस्कृति, इतिहास और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ की कॉफी वियतनामी कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। ब्राजील के बाद ब्राजील कॉफी का दूसरा ये सबसे बड़ा निर्माता है। दोस्तों, आपको पता है वियतनाम से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। दोस्तों, वियतनाम से हमारा रिश्ता बहुत अनोखा है और बहुत अच्छा भी। ये रिश्ता पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है और एक पड़ोसी देश होने के नाते भी बहुत स्ट्रांग है। आपको एक कहानी बताती हूँ, आज की नहीं, बहुत पहले की। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वियतनाम के जाने माने नेता हो चिंग मिंग की ओर से एक मजबूत नींव रखी गई थी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। फ्रांसीसी ताकतों के खिलाफ डेन बेन फू संग्राम में वियतनाम की जीत का जश्न मनाने के लिए पंडित नेहरू 1954 में वियतनाम गए थे और इसके बाद 1958 में हो ची मिंग भारत के दौरे पर आए थे। तभी से ये संबंध बहुत ज्यादा मजबूत है। इसीलिए तो जब एक इंडियन वियतनाम जाता है तो वियतनाम वाले उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि वियतनाम वाकई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस करते हैं, आपको यहाँ पहुंचकर अपना जैसा अनुभव होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनामी लोग कार खरीदने की बजाय ब्रांडेड बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। 2015 के आंकड़े सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर 40 मिलियन बाइक्स को पंजीकृत किया गया था, जबकि कार खरीदने वाले मात्र 3 लाख लोग थे। दोस्तों, वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी बनाने वाला देश है। वियतनाम के बाद ब्राजील है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी निर्माता कहा जाता है। वियतनाम की भाषा की बात करें तो वियतनामी यहाँ बोली जाती है। यहाँ पे कुल आबादी को अगर देखें तो 86% लोग तो वियतनाम के मूल निवासी हैं, लेकिन 14% लोग बाहर से आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू ईयर में वियतनाम जाकर सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक्सट्रीमली सॉरी, न्यू ईयर 1 जनवरी को वियतनाम में नहीं मनाया जाता, बल्कि ये लोग फरवरी के फर्स्ट वीक को न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं और खूब शोर शराबा करते हैं। इनका कहना है कि खूब सारा शोर शराबा करने से जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो देश से दूर चली जाती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई है और हाँ, इसकी आबादी लगभग 65 लाख है। हम आपको राजधानी की सैर भी कराएंगे और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आपको बतानी है। आप यहाँ क्या क्या खा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं, बस बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कुछ खूबसूरत नजारों की सैर पर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हलोंग बे में। हलोंग बे वियतनाम के उत्तर पूर्व में स्थित है और 1600 से अधिक चूना पत्थर द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है जो इसके पानी से निकले हैं। 1500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ इस स्थान को 1944 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इतने सुंदर दृश्यों के साथ ये जगह फिल्म की दुनिया में भी काफी लोकप्रिय है। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। ये जगह पर्यटकों को भी बहुत अट्रैक्ट करती है। आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। गर्मियों में वियतनाम घूमने के लिए ये परफेक्ट जगह है। जब बारिश कम हो और मौसम सुहाना हो तो यहाँ जरूर आइएगा। दोस्तों, ये है निन बिन। निन बिन एक बेहद ही अट्रैक्टिव जगह है।
यहाँ आने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की शूटिंग यहाँ हुई है। खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन, हरे भरे धान के खेत, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा मंदिर आपको यहाँ नजर आएगा। इस क्षेत्र में शांति है और यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्यूटी भी नजर आएगी। यदि आप इस जगह का आनंद लेना चाहते हैं तो नाव किराए पर ले और आ जाए। सुंदरता को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। निनबिन के बारे में अच्छी खबर ये है कि ये साल भर घूमने के लिए अवेलेबल है। इसकी अंगूठी सुंदरता को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये है होई अन। होई अन को 1999 में वियतनाम के लंबे समय तक फैले राष्ट्र के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तीन देश जापान, वियतनाम और चीन का इतिहास और संस्कृति अतीत में लगातार सैकड़ों वर्षों से उनके व्यवहार में मिश्रित है और इसका जीवंत उदाहरण यहाँ की वास्तुकला है। जापानी पुल, चीनी मंदिर और फ्रांसीसी उपनिवेश यहाँ मौजूद है, यानी कि तीनों देशों का मिश्रण आपको यहाँ मिलेगा। पुरानी दुकानों को आधुनिक व्यवसाय में बदल दिया गया है। इन दुकानों में आपको बहुत कुछ खास नजर आएगा, साथ ही बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर हैं, जहाँ जाकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये है हो ची मिन्ह। शहर के जीवन के प्रशंसकों के लिए वियतनाम की यात्रा के लिए ये बेहतरीन जगह है। दोस्तों, ये शहर मोटर बाइकों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सड़कें मोटर बाइकों से भरी हुई हैं। कारों से ज्यादा यहाँ सड़कें हैं। रेस्टोरेंट और कैफेज, खरीदारी करने के लिए मॉल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। शहर के केंद्र में डोंगखोई एक छोटा सा केंद्रीय जिला है, जहाँ कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भी मौजूद है। आप यहाँ जाकर भी घूम सकते हैं। दोस्तों, ये है हुंग। हुंग वियतनाम का एक ऐतिहासिक शहर है और वियतनाम में एक ऐसी जगह है जो 19वीं शताब्दी के धरोहरों को अपने में समेटे है। देखने के लिए बहुत ही भव्य स्थान यानी कि शाही बाड़ा है, जो इस देश की हिस्ट्री और इसके कल्चर को दिखाएगा। और अब बात आती है हनोई की। हनोई जो कि वियतनाम की राजधानी है, हनोई आकर्षण का केंद्र है। हनोई वियतनाम की राजधानी होने के साथ साथ खूबसूरत शहर है। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर। यदि आप इस शहर की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। ये शहर बिना सड़क के नियमों के है, क्योंकि शहर में सड़क पार करना काफी कठिन है। कुछ रेस्टोरेंट यहाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जहाँ से यात्री बैठकर खाना पीना खाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वियतनाम का ये ट्रिप, हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमें जरूर बताइएगा अगर आप वियतनाम की यात्रा कर चुके हैं तो आपके एक्सपीरियंस, और अगर आप जाने वाले हैं तो एक्सपेक्टेशंस। हमें इंतजार होगा हमारे इस सवाल का। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।